आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि मैप इन्फो में काम कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे ये बेसिक ये जी आई है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डेट इंजीनियर्स ब्लॉक फाइल्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपने जाना है ओपन में, ओपन पे क्लिक करें। यहाँ से ब्लॉक्स ये एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है। डेट इंजीनियर्स जो ड्राइव करते हैं, उसके बाद वो लॉग्स जो मैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इनको एक्सपोर्ट्स निकाल के ये टेप फाइल्स में आपको दे देते हैं, क्योंकि टेप फाइल्स में इनको जो होगा टेप फाइल्स इंपोर्ट करते हैं। तो आपने टेप फाइल इंपोर्ट करना है यहाँ से। ये आपके पास जितना भी ड्राइव किया हुआ है उसका रूट है, तो आपने देखना है कि इसे शो करवाना है। इसे सबसे पहले आप ये करें, राइट साइड क्लिक करें, राइट साइड क्लिक करके ये इंटायर लेयर इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ जाके आपने क्या करना है, आर लेयर नहीं करना है आपने, जो रूट आपने इंपोर्ट किया है वो आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। ये आपके आपको रूट शो करता है। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी शेप, इसकी साइज और इसका सिंबल वगैरह चेंज करना है। तो यहाँ आ जाए और डबल क्लिक करें, ये आपको ये डायलॉग बॉक्स शो करेगा। यहाँ से आपने स्टाइल ओवर राइट करना है, इसको क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से जाके आपने सिलेक्ट करना है मैपिंग फॉर सिंबल्स। ये वाले जो सिंबल्स है वो आपके आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप कौन से रखना है। फॉर एग्जाम्पल में हमेशा ये रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से जो ड्राइव है वो मतलब साइज, यहाँ से आप सिलेक्ट करें 6, मर्जी है 6 रखे, 12 रखे, 10 रखे। यहाँ से कलर चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद ओके, ये इसमें भी कुछ शेप चेंज होगी। ये देखिए, ये आपके पास जो डेट इंजीनियर ने ड्राइव किया वो भी ये शो कर रहा है। तो ये मतलब लॉग फाइल्स जो एक्सपोर्ट हुए वो जो भी ड्राइव किए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सिग्नल लेवल चेक करेंगे, इसके लेवल स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि यहाँ से जाके सिग्नल RSCP यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो यहाँ से जाके हमें सिलेक्ट करना ही है, ठीक है। ID यहाँ से आपने लेवल सेलेक्ट किया, लेवल नेक्स्ट, ये आ गया, आपने ओके करना। ये आप चेक करें, ये रेड जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपके सिग्नल वीक है, यहाँ पे आपके सिग्नल बहुत ही अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे यही समझे कि मतलब यहाँ पे आपके सिग्नल बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे रेड शो कर लगा रहे आपके सिग्नल, यहाँ पे कॉल ड्राफ वगैरह पॉसिबिलिटी दिया गए, ठीक है। यहाँ से जाके आपने लेजेंड शो करवाना है, लेजेंड यहाँ से ये देखिए 0 से 75 तक। ये आपको मतलब आपका जो पोस्ट प्रोसेसर है, जो आपका क्या कहते हैं आपका ऑप्टिमाइजर है, वो आपको रेंज बताएगा कि आपने ये सिलेक्ट करना है 0 से 75 तक। ये अच्छे लेवल से 75 से 85 नॉर्मल है, 85 से 95 बिल्कुल थोड़े लो है, और 95 से 110 नेक्स्ट 110 तक बिल्कुल आपके सिग्नल खराब है। यहाँ पे कॉल ड्रॉप, कॉल ब्लॉक पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी इसके बाद हम एक नो चेक करेंगे, इसमें यहाँ से एक नो सिलेक्ट करें और यहाँ से लॉक फाइल सिलेक्ट करें, यहाँ से आपने और उसके बाद नेक्स्ट करें। ठीक है, अभी ये ओके करेंगे। ये आपके पास शो कर रहा है कि 0 से 6 तक आपका इतना अच्छा है, 6 से 10 तक थोड़ा नॉर्मल है, 10 से 12 तक येलो येलो शो करता है, उससे भी नॉर्मल है,
और जो रेड यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल आपकी कॉल उस मिले की बहुत ही कम होती है, यहाँ पे आपकी कॉल मिले या मतलब ब्लॉक कॉल्स ड्रॉप कॉल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे। रेड यहाँ पे शो कर रहा है, येलो यहाँ पे कॉल्स मिलेगी लेकिन मतलब आपको इतना अच्छा नहीं होगा जाना जितना ग्रीन कलर है यहाँ पे शो। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे रिपोर्टिंग मेन्यू चेक भी हो जाता है कि ये जो रूट है इस पे कौन कौन से सेक्टर्स ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये देखे कि यहाँ पे जो रूट कवर किया इसमें कौन कौन से सेक्टर्स देख रहे हैं, जितने भी टावर्स आस पास के टावर्स हैं उसके कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम वो कैसे चेक करेंगे, मैप में जाए यहाँ से ये सिलेक्ट करें तो आपने सर्विंग सेक्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कॉल सेलेक्ट किए, यहाँ से आपने सर्विंग सेक्टर ओके नेक्स्ट करें, यह भी आपको शो करेगा कि कौन कौन से टावर्स के यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। ये 210 जो है ये ज्यादातर 210 कवर कर रहा है, 211 जो है ज्यादातर ये भी बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, ये सेक्टर जो आस पास जो एंटीनाओं का इसकी सर्विस यहाँ पे ज्यादा आ रही है, बाकी 212 पे उसके हल्के फुल्के यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ये है जितने भी टावर आस पास के टावर है उसके सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ से आपको चेक करना होता है सर्विस सेक्टर से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स चेक करते हैं, ठीक है ये देखिए आपके सारे ठीक है, ये है आपके ये चेक करें आपके कॉल्स अटेंड कितने दफा हुए, कॉल अटेंड कितने दफा हुए, फुल टाइम कॉल अटेंड रिट्राई एक दफा, कॉल रिट्राई हुआ यहाँ पे, कॉल इन एक दफ़ा हुआ, कॉल इस्टेब्लिश भी दो दफ़ा हुआ, कॉल सेटअप टू टाइम, सर्विस सिलेक्शन ये भी 10 टाइम, 10 टाइम सर्विस सिलेक्शन किया। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप कॉल्स कितने हैं आपके, ये ड्रॉप कॉल है आपका, ठीक है उसके बाद आइडल मोड पे कितने दफ़ा किया, 3 दफ़ा आइडल मोड पे चला गया, और उसके बाद सर्विंग सेक्टर के जरिए हैंड ओवर 3 दफा और 3 दफा। ठीक है, ये आपके होते हैं इवेंट्स, ये तो मतलब आपको ऑर्गेनाइजर बताएगा उन उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉल अटेम्प्ट्स कॉल जो वो आपको बताएगा कि आपको बताएगा कि कॉल ड्रॉप्स कितने हैं, आप मुझे शो करवा देंगे वो भी मुझे देखी जाएगी कि ऑर्गेनाइजर्स के डिमांड के मुताबिक आपने बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने शो करवाना होता है कि कॉल अटेंड इतने दफ़ा, कॉल ड्रॉप कॉल ब्लॉक ये इतने दफ़ा, तो ये देखिए कॉल ड्रॉप एक दफ़ा हुआ, कॉल ड्रॉप एक ही दफ़ा ऑफर हुआ इतने पूरे रूट में ड्राइव करने के बाद। तो इसके बाद है हम देखते हैं कि तो क्या चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मोड देखते हैं,
ये एडिशनल सब के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि कॉल डोमेन, ठीक है, कॉल डोमेन सर्किट स्विच वो आपको बताएगा। आपने फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है कि जो जो भी चीज़ रिकॉर्ड है ना, कॉल सेटअप टाइम ये, ठीक है, और कॉल सेटअप टाइम्स वगैरह, न्यू सेल कौन से सेल्स, वहाँ पे आपको बताया था सेक्टर्स 210, 211, 23, 25, 210, मतलब उसने न्यू सेल पे कौन से उसमें रहा है फ्रिक्वेंसी पे, ये 4383। तो ये चीज़ें जो भी मतलब अगर आपको बताएगा आप कैसे वो नोट आउट करके निकालने। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थ्रूपुट 3G थ्रूपुट के बारे में बताऊंगा, और किसी को किसी भी किस्म का सवाल हो तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई पूछना चाहे तो।